हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आभा खत्री आज आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो मैंने मैंगो से बनाई है। मैंगो सेवैया ये बहुत ही डिलीशियस स्वीट है। आप इसे डेजर्ट के रूप में भी सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स मुझे जरूर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए हम बनाते हैं मैंगो सेवैया। मैंगो सेवैया बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। दूध मैंने हाफ लीटर लिया है। फिर मैंने सेवैया ली है, मैंने रोस्टेड सेवैया ली है फ्रेंड्स। अगर आपकी सेवैया रोस्टेड ना हो तो फिर आप इसे थोड़ा सा एक चम्मच घी डाल के और इसे रोस्ट कर लीजिए पहले। फिर उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट में बादाम और काजू लिया है, उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। मैंगो का पल्प लिया है, मैंने होममेड मैंगो का पल्प लिया है। इसे मैंने पीसते वक्त ही इसमें शुगर डाल दी थी और इस तरह का गाढ़ा पल्प बना लेना है हमें। फिर मैंने शुगर ली है 3 टेबल स्पून। आप इसे अपनी चॉइस के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम गैस में एक पैन कर देंगे गरम करने और उसमें हम मिल्क ऐड कर देंगे। अब मिल्क को हम बॉईल होने देंगे अच्छे से। अब देखिए दूध में एक बॉईल आ चुका है अच्छी तरह से। बॉईल कर लेना है एक बार हमें दूध को। फिर उसके अंदर हमें शुगर डाल देना है। शुगर डालने के बाद एक बॉईल और ले लेंगे हम। देखिए अब शुगर डालने के बाद भी एक उबाल आ गया है। अब इसमें हम सेवैया ऐड कर देंगे। ये पहले से रोस्टेड है इसलिए हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे इसमें। जब तक हमारी सेवैया पक जाती है तब तक हमें इसे उबालना है और बीच बीच में इसे इसी तरह चलाते रहना है ताकि ये दूध नीचे चिपके नहीं। हाफ लीटर दूध में मैंने हाफ कप सेवैया डाली है। आप देख सकते हैं हमारी सेवैया 90% कुक हो चुकी है। अब इस टाइम पे हम इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे। हमारा मिल्क भी आप देख सकते हैं कैसा गाढ़ा हो गया है सेवैया डालने के बाद, उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। सेवैया में जितने भी ड्राई फ्रूट डालो बहुत ही अच्छे लगते हैं टेस्ट में। अब इसका एक उबाला और ले लेंगे हम क्योंकि हमने अभी ड्राई फ्रूट डाले हैं इसमें। देखिए अब जब सेवैया इस तरह की गाढ़ी हो जाए तब हमें गैस को बंद कर देना है। इसमें सेवैया भी पक चुकी है, ड्राई फ्रूट भी अच्छे से पक चुके हैं क्योंकि ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी होती है। अब मैं इसका गैस बंद कर देती हूँ और रूम टेम्परेचर पे इसे 10 मिनट ठंडा होने देती हूँ। देखिए अब सेवैया रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो चुकी है। जब इस तरह की ठंडी हो जाए तब इसमें हम मैंगो का पल्प डालेंगे। पहले नहीं डालना है हमें मैंगो का पल्प। अब मैं मैंगो का पल्प डाल दूंगी इसके अंदर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आ गया है मैंगो का पल्प डालते ही। लाइट ऑरेंज कलर आया है इसका तो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। कितनी अच्छी सेवैया दिख रही है हमारी। अब आप इस सेवैया को इस स्टेज पे भी सर्व कर सकते हैं लेकिन मैं इसे थोड़ा सा चिल्ड करूंगी और फिर इसे सर्व कर लेती हूँ। देखिए मैंने इसे फ्रिज में 1 घंटा रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से चिल्ड हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। सेवैया को मैं एक बाउल में ले लूंगी। ये और भी गाढ़ी हो चुकी है, इसका कलर और भी अच्छा आ गया है, बिल्कुल रबड़ी की तरह लग रहा है ये। मैंने एक छोटे से ग्लास में भी इसे सर्व करा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है आप देख सकते हैं। मैंने मैंगो के पीसेस इस तरह से हार्ट शेप में काट के रखे हैं। देखिए इसे मैं इसे गार्निश करूंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स रेडी हमारी वेरी डिलीशियस मैंगो सेवैया। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी लगती है। आप इसे डेजर्ट के रूप में भी सर्व कर सकते हैं। ये चिल्ड खाने में बहुत ही मजा आता है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।